आपके साथ मनरा सक्सेना। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है। अब उनका नाम वसीम राजा उर्फ जितेन नारायण त्यागी होगा। उन्होंने गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया है। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने कहा कि आज से वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, क्योंकि हिंदू होना एक जीवन शैली है। इसके लिए दर्शन और आध्यात्म को समझने की जरूरत है। किसी मंदिर में जाकर किसी खास संस्कार या फिर प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से हिंदू बनना संभव नहीं है। एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है, लेकिन कोई भी अपना धर्म आसानी से बदल सकता है। आपको बता दें कि वसीम राजा ने कुछ दिन पहले वसीयत की थी कि मरने के बाद उन्हें दफन करने के बजाय हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाए। परिवर्तन की यहां पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब यह मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद, हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है। मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यती नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई में कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको। तो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन है वसीम रिजवी, जिन्हें आप सुन रहे थे, धर्म परिवर्तन कर अब इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। उनका नाम अब वसीम राजा यानी कि जितेंद्र नारायण त्यागी होगा। उन्होंने गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया है। साथ ही उन्होंने, आपने सुना किस तरह से इस्लाम धर्म पर प्रहार किया। हालांकि कोई पहली बार नहीं है कि इस्लाम धर्म को निशाने पर वसीम रिजवी ने लिया हो। इससे पहले वो कुरान पर सवाल उठा चुके हैं, इस्लाम धर्म पर सवाल उठा चुके हैं। पहले ही उन्होंने संकेत दिया था कि जब वो मर जाएं तो उसके बाद उनका हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया जाए बजाय दफनाने के, और आखिरकार आज वो हिंदू बन गए हैं। हालांकि उनसे कई पहले के विवाद जुड़े रहे हैं, इसे आप राजनीतिक रूप से ज्यादा देख सकते हैं बजाय धर्म के। धर्म को हमेशा उन्होंने खासतौर पर इस्लाम धर्म को निशाने पर लिया है। इसको लेकर तमाम इस्लामिक जो गुरु हैं, स्कॉलर्स हैं, फतवे भी उनके खिलाफ जारी कर चुके थे। तो वसीम रिजवी अपने धर्म परिवर्तन के पीछे दलील यही दे रहे हैं कि जब मुझे इस्लाम धर्म से निकाल ही दिया गया था बाहर, तो फिर मैंने तय किया कि मैं हिंदू बनूंगा। वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं वसीम रिजवी, अक्सर बीजेपी सरकार की तारीफों में कसीदे पढ़ते नजर आए हैं। इस्लाम धर्म को हमेशा निशाने पर उन्होंने लिया है, और कुरान को लेकर उसकी कुछ आयतों पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार वसीम रिजवी पर लगाई थी। आखिरकार जो संकेत अब तक वसीम रिजवी की तरफ से मिल रहे थे कि हिंदू धर्म वो कब अपनाते हैं, ये सवाल उनसे पूछा जा रहा था, और आज उन्होंने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है। डासना स्थित ये देवी मंदिर है जहां पर आज वसीम रिजवी पहुंचे और आखिरकार हिंदू बन गए। जितेन नारायण त्यागी उनका नाम है। लखनऊ से आलोक गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। आलोक, ये जो धर्म परिवर्तन हुआ है, इसके पीछे क्या सोच है, किस तरीके से इस खबर को देखें, जरा ये बताइए, क्योंकि राजनीतिक रूप से काफी विवादों में रहे हैं वसीम रिजवी। निश्चित तौर पर वसीम रिजवी का जो कार्यकाल रहा है पिछले 5 सालों में, देखा जाए तो लगातार विवादों के बीच में ही रहा है। तमाम तरीके के आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं,
और तमाम तरीके के विवादित बयान भी वसीम रिजवी देते रहे, और हाल में उनके बयानों की वजह से ही उन्हें जो मुस्लिम समाज से उनको बेदखल कर दिया गया था, और उनकी उस वक्त की जो मांग थी कि कुरान से 26 आयतों को हटाने को लेकर उन्होंने मांग की थी, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उसके बाद से ही नहीं, और इससे पहले भी उनको लगातार धमकियां मिलती रही थी, और इस तरीके की जानकारी खुद वसीम रिजवी अपने वीडियो के माध्यम से देते रहे थे। और पिछले दिनों जब मुस्लिम समाज ने इन्हें अपने मुस्लिम से ही समाज से ही बाहर कर दिया था, तो उसके बाद से ही ये रास्ता तलाश रहे थे कि कौन से धर्म को स्वीकार करें। और इनका ये कहना है वसीम रिजवी का कि हिंदू धर्म चूंकि सनातन धर्म है, काफी प्राचीनकालीन धर्म है, लिया जा इससे बेहतर कोई धर्म नहीं है। तो आज उन्होंने गाजियाबाद में, चूंकि वसीम रिजवी से जुड़ी हुई खबरें आप लगातार उस पर फॉलो अप देते रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक तो धर्म परिवर्तन के पीछे मकसद ये होता है कि भाई उस धर्म में आस्था है, क्या ये मजबूरी थी चूंकि इस्लाम से तो उन्हें बेदखल कर दिया गया था, या इसे हम राजनीतिक रूप से कदम के तौर पर भी देख सकते हैं? देखिए, सियासत में और राजनीति में आदमी चर्चा में रहने के लिए तमाम तरीके के अपने उनके प्रोपेगेंडा रहते हैं। हालांकि वसीम रिजवी पर तमाम तरीके के फतवे भी जारी हुए हैं, किसी ने सर कलम करने की बात कही है, और किसी फतवे में यह भी आया है कि चूंकि मुस्लिम समाज से निकाल दिए गए, लिहाजा इनकी मौत होने पर इन्हें कब्र में न दफनाया जाए। तो इस तरीके के भी तमाम फतवे जारी हुए हैं, ऐसा वसीम रिजवी का दावा है, जिसके बाद से ही मुस्लिम समाज ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है, यह भी वसीम रिजवी जी का ही दावा करते रहे, और उसके बाद में आज वो शामिल हो गए हैं। आलोक, चूंकि चूंकि विवादों से पुराना उनका नाता रहा है, आज चूंकि वो हिंदू बन गए हैं और जितेंद्र नारायण त्यागी उनका नाम हो गया है, राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चा है, कोई प्रतिक्रिया इस्लामिक स्कॉलर्स की तरफ से? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, इस्लाम की बात करें तो इस्लाम ने उनको पहले से ही बहिष्कृत कर दिया है, इस्लाम से बाहर कर दिया है, तो लिहाजा इस्लाम की मुस्लिम समाज की तरफ से भी एक यही प्रतिक्रिया सामने आ रही कि ठीक है, जिसको हमने पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे जहां रहे चाहे जहां जाए। और वसीम रिजवी के मामले में देखा जाए तो अब एक बार फिर से जब वो हिंदू हो गए हैं और त्यागी समाज में वो शामिल हो गए हैं। आलोक, क्या क्या सिर्फ वसीम रिजवी ने ही धर्म परिवर्तन किया है, उनके पूरे परिवार ने? फिलहाल वसीम रिजवी की जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने ही अपना धर्म परिवर्तन किया। बहुत शुक्रिया आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वसीम रिजवी।